हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ चकित फ्रॉम बीएससी ग्लोबल एजुकेशन। सो बहुत सारे लोग आज की डेट में परेशान हैं क्योंकि जीआईसी का अमाउंट बढ़ गया है और साथ के साथ जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हैं उनकी गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, स्पाउस वीज़ा की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट हैज़ इंक्रीजेस अ लॉट। सो दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर इन द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स माइंड कि अभी हमें क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों का जो सही सोल्यूशन है वो ये है कि अगर आप एक पीआर सेंट्रिक कंट्री ढूंढ रहे हो और सिंस द कनाडा हैज़ इंक्रीज द जीआईसी अमाउंट, तो इसके साथ आपको जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं जो आपको मद्देनज़र रखने हैं जिससे कि आप अपना प्रोसेस स्मूथली कर पाओ। सो पहली थिंग ये है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आप ऐसे कॉलेज में अप्लाई करो जहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन अ टॉपिक इन विच आई हैव गिवन ऑल द कॉलेजेस जिनकी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप थी। सो आप वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो इफ़ यू आर सिंगल देन देर इज़ नो प्रॉब्लम। ओनली थिंग इज़ कि आपका जीआईसी अमाउंट बढ़ गया है। उस जीआईसी अमाउंट को बढ़ने का कारण सिर्फ ये है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कैनेडा में दैट हैज़ इंक्रीज एंड सिंस देर इज़ अ हाउसिंग क्राइसिस, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट वांट्स कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हाउसिंग को लेकर सफ़र न करना पड़े। दे शुड बी एबल टू हैव इनफ मनी इन देयर पॉकेट सो दैट दे वुड बी एबल टू सस्टेन। सो यही सिंपल सा लॉजिक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो इंटैक्ट है एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू अ पब्लिक कॉलेज। सो पब्लिक कॉलेजेस में जैसे सेनेका, हम्बर, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, सेंटेनियल, फ्रेंशॉ, ये जितने भी कॉलेजेस हैं, कॉनेस्टोगा, सदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जितने भी सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक जितने भी कॉलेजेस हैं ये सारे पब्लिक कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ने जाते हो तो आपको कोई भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यू आर गुड टू गो। 1+1+2+3 ईजीली अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू दी स्टूडेंट्स जो हैं मैरिड और जो अपने स्पाउस को ले जाना चाहते थे, उनके लिए थोड़ा सा ट्रबल बढ़ा है। बट इन द लॉन्ग रन अगर आप देखोगे वॉट दे हैव सेड इज इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम देन ओनली यू वुड बी एबल टू ब्रिंग योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट विद यू। सो अगेन, मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता हो, या फिर वहाँ पे पढ़ाई करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता हो। वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि मास्टर्स की जो कैटेगरी है उसको कैपिंग से अलग रखा गया है। सो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है क्योंकि मास्टर्स की कैपिंग में, मास्टर्स कैपिंग में नहीं आता है, तो आपको बहुत रूम है कि आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे यू वुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस कैपिंग। प्लस जो जीआईसी का अमाउंट है उसकी प्योर गाइडलाइंस है कि आप, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि अगर आप मैरिड हो तो आपको कितना जीआईसी देना है, अगर आपके पास एक और चाइल्ड है अपने साथ तो आपको कितना देना है, दो हैं तो कितना देना है। सो इस तरीके से एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू अ मास्टर्स प्रोग्राम एंड यू हैव दी सफिशेंट जीआईसी फंड्स, आपको वीज़ा आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाईएस्ट है। अब रही बात ये कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है तो आप जॉब कैसे कर पाओगे और अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट कर पाओगे, तो उसके लिए तो सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि जो आपके स्पाउस हैं, तो अगर यू आर अ फीमेल एंड यू आर टेकिंग योर हस्बैंड अलोंग और यू आर द मेल एंड यू आर टेकिंग द फीमेल अलोंग, सो आप दोनों को एक इक्वल रोल प्ले करना पड़ेगा वेयर द स्पाउस ऑफ द स्टूडेंट वुड हैव टू वर्क द मैक्सिमम सो दैट कि आप मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल सको। प्लस द स्टूडेंट है वो एंटायरली अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। 20 ईयर्स बीच में निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यू वुड स्टिल बी एबल टू मेक इनफ मनी दैट यू वुड बी एबल टू सस्टेन विदाउट एनी ट्रबल। सो आज की डेट में एवरी गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन कि वहाँ पर टैलेंटेड लोग हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो एंड यू कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, स्टेम बैकग्राउंड, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस तो ऑलरेडी बहुत हाई हो जाते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कनाडा से थोड़े से डरे हुए हो, घबराए हुए हो और आपको और जगह के ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, तो देन देर इज़ अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया कि आप ऐसी कंट्री को चूज़ करो जो पीआर अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे कि न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में यू कैन गो विद योर स्पाउस, यू कैन टेक योर डिपेंडेंस विद यू, सेम वर्क राइट्स, प्रिटी मच द सेम फीस, और द ओनली थिंग विच यू नीड टू फोकस इज ऑन इज योर फाइनेंशियल्स। तो अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं तो आप क्यों ना एक ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ पर आपको पीआर भी मिले और आपको पढ़ाई भी अच्छी मिले, आपको अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें आपके
जो एक क्राइटेरिया स्टूडेंट के मन में होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके क्राइटेरिया हैं उसके अकॉर्डिंगली न्यूजीलैंड भी उन्हीं सब लाइंस में फिक्स होता है। तो आप अपने स्पाउस को ले जा पाओगे, आप अपने बच्चे को ले जा पाओगे, बच्चे को स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, आपको फुल टाइम वर्क वीज़ा मिलेगा, एंड ईजिली यू वुड बी एबल टू डू ऑल द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू डू। और ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रीमलाइन। अगर पहले से अच्छे से प्रिपरेशन करके वीज़ा अप्लाई किया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। 6.5 नॉट लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है लाइक कनाडा, वहीं वहाँ पर यूनिवर्सिटी की भी सेम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर भी सेम रिक्वायरमेंट है। आपकी परसेंटेज इवन इफ इट इज़ 40-45% यू वुड स्टिल बी एबल टू गेट अ मास्टर्स कोर्स, सो आपको वो भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लो परसेंटेज है तब भी आप मास्टर्स कोर्स ले सकते हो। द ओनली एंड ओनली देन ओनली थिंग विच यू नीड टू फोकस इज ऑन योर फाइनेंशियल्स। और उसमें भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत लगती है कि अगर आपके पास 3 से 6 महीने पुराने फंड्स नहीं है, सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक एन एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन विल मेक श्योर कि आपको वीज़ा आएगा ही आएगा, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो। सो इस पूरी वीडियो में जो दोनों पर्सपेक्टिव बताने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आप किसी भी तरीके से डिसहार्टेंड ना हो। आप इस चीज़ पे फोकस करो कि अगर आपको बाहर जाना है और बाहर आपको सेटल होना है, सो सिर्फ एक ही कंट्री नहीं है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देगी। ऐसी जैसे न्यूजीलैंड है ऐसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ही आप आयरलैंड में अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ही आप बहुत सारी यूरोप में कंट्रीज हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ कनाडा ही एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। सो प्लेंटी ऑफ ऑप्शन आर देयर, यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव, गेट अ गुड कोर्स, गेट अ गुड कॉलेज, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी इजी टू मैनेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस देन हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इफ यू वॉन्ट एन ऑनेस्ट कंसल्टेशन देन देर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक एंड गेट इन टच विद अस, वी विल हेल्प यू विद द आउटमोस्ट ऑनेस्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी शैल सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।